छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई 5 दिवंगत पूर्व विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। दिवंगत सदस्य मकसूदन लाल चंद्राकर, अमीन साय, लक्ष्मी प्रसाद पटेल, अग्नि चंद्राकर और अंतुराम कश्यप के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदस्यों के निधन को राजनीति और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सदस्यों के निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिवंगत पूर्व सदस्यों के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है, उनका जाना हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव श्री मकसूदन लाल चंद्राकर का दिनांक 20 मार्च 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अमीन साय का 28 अप्रैल 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अग्नि चंद्राकर एवं अंतुराम कश्यप अविभाजित मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के पूर्व सदस्य का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। श्री मधुसूदन लाल चंद्राकर का जन्म 15 जुलाई 1941 को ग्राम परसदा जिला महासमुंद में हुआ था। वे ग्राम लभरा खुर्द के पंच जनपद सदस्य महासमुंद में रहे। वे कांग्रेस पार्टी के टिकट में महासमुंद विधानसभा से निर्वाचित प्रथम बार 80 और द्वितीय बार 85 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 80 और 85 के अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उन्हें सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाला। उनके कृषि कार्यों पर विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। श्री अमीन साय का जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर के जिला बलरामपुर रामानुजगंज में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। वे आदिम जाति वित्त विकास निगम के जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी विकास बैंक एवं कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य रहे। जनता पार्टी के टिकट से सामरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम बार 1977, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1990 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी खेल कूद, हरित क्रांति, सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया है। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते विधानसभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने के अंतराल में अनेक ऐसे साथियों और मार्गदर्शकों को हम सब ने खो दिया है, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान इन सम्मानित जनों को काल ने हमसे छीन लिया है। विधाता के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक थे, जिनका 20 मार्च 2024 को महासमुंद में निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1941 को हुआ था। उन्होंने महासमुंद के शासकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम लभरा खुर्द से पंच के रूप में की थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 से 1990 तक वे दो बार महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1980 से
1985 के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव, सहकारिता व आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर भी रहे। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं में से थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक श्री अमीन साय जी का 28 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे जनसंघ के कार्यकर्ता थे। सन 1968 से 1976 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1977 तथा 1990 के विधानसभा चुनाव में वे सामरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में वे तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। आदिवासी समुदाय में उनका गहरा प्रभाव था। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी के निधन से आदिवासी समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024 को उनके गृहग्राम छुईपाली में निधन हो गया। उनका जन्म 13 जून 1939 को हुआ था। उन्होंने बीए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत के साथ साथ खेती किसानी, खेलकूद और समाज सेवा में भी उनकी अभिरुचि थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया। कोई मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी थे। सन 1977 में वे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वे सन 1980 और 1985 में लगातार खरसिया से विधायक निर्वाचित हुए। 1 अगस्त 1980 से फरवरी 1985 तक वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अग्नि चंद्राकर जी का 23 जून 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1954 को महासमुंद के ग्राम बकिया में हुआ था। उन्होंने बीकॉम एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। सन 1986 में निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की थी। वर्ष 1993 में वे विधानसभा सदस्य के रूप में प्रथम बार निर्वाचित हुए। दूसरी बार सन 1998 में और तीसरी बार 2008 में विधानसभा सदस्य चुने गए। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अंतुराम कश्यप जी का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को ग्राम बस्तर के पुजारीपारा में हुआ था। उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। सन 1993 में प्रथम बार एवं 1998 में द्वितीय बार विधानसभा हेतु सदस्य चुने गए। वे आदिवासी समाज के प्रमुख पथ प्रदर्शकों में थे। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।